सर ये खाली कभी नहीं बैठते हैं, हर समय ये लगे रहते हैं, मतलब बल्कि मुझे कहना पड़ता है कि बेटा थोड़ा सा रेस्ट कर लो। आप कितना वॉक कर रहे हैं आप डेली? वॉक अराउंड 1-1.5 किलोमीटर। स्पाइनल कॉर्ड के बाद ब्लड क्लॉटिंग है, जो एज पर डॉक्टर ये था कि वो स्टार्टिंग से है, लेकिन मेरे को डायग्नोज 10 से 15 दिन के अंदर ही सारी मेरे को इश्यूज हो गए। लेकिन कोविड के बाद से मेरे को पैर में बहुत ज़्यादा वीकनेस लगने लग गई थी, बॉडी ट्रेमर स्टार्ट हो गए थे। आफ्टर 1 मंथ मेरी इसकी लेजर सर्जरी हुई, हो गया सवा साल हो गया सर्जरी को। हेलो अभिषेक, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। क्या दिक्कत क्या थी अभिषेक? सर मेरे को ना एक्चुअली स्पाइनल एवीएम था, स्टार्टिंग में तो डायग्नोज नहीं हुआ था, लेकिन कोविड के बाद से मेरे को पैर में बहुत ज़्यादा वीकनेस लगने लग गई थी एंड बॉडी ट्रेमर स्टार्ट हो गए थे और भी बाउल मूवमेंट्स में इशूज आने लग गए थे। तो मैंने फिर पहले एंजियोग्राफी कराई, तो एंजियोग्राफी में ये पता चला कि मेरे स्पाइनल कॉर्ड में स्वेलिंग है, मेरी स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेस हो गई। तो उसके बाद ये बेसिकली देखा गया कि मेरे स्पाइनल कॉर्ड के बाद ब्लड क्लॉटिंग है, जो एज पर डॉक्टर ये था कि वो स्टार्टिंग से है, लेकिन मेरे को डायग्नोज 10 से 15 दिन के अंदर ही सारी मेरे को इश्यूज हो। सो उसके बाद मेरी अराउंड आफ्टर 1 मंथ मेरी इसकी लेजर सर्जरी हुई एंड लेजर सर्जरी से वो क्लॉटिंग तो पूरी रिमूव कर दी गई, लेकिन उसके मतलब जो उसका इम्पैक्ट अभी तक आ चुका था, अब बेसिकली उसकी रिकवरी के लिए हम लोगों सवा साल हो गया सर्जरी को नवंबर 2020 में सर्जरी हुई थी। तो स्पास्टिसिटी ये सब तो काफी मतलब रिमूव ही हो चुकी है, लेकिन थोड़ा सा चलने में अभी भी राइट लेग मेरा ज्यादा अफेक्टेड है इस चीज को लेके, एंड मेरे राइट पैर में अभी भी थोड़ा जैसे फुट ड्रॉप हो गया था जी, एंड मतलब पूरा प्रॉपर राइट पैर में काफी ज्यादा इम्पैक्ट उसका आ गया। राइट पैर में ज्यादा था कम्पेयर टू लेफ्ट पैर? हाँ, लेफ्ट पैर में बहुत ही कम था, लेकिन राइट पैर में ज्यादा था, उसकी वजह से स्पास्टिसिटी डेवलप हो गई। स्पास्टिसिटी तो दोनों पैर में बहुत ज्यादा थी, उसपे तो बहुत ज्यादा वर्क किया गया है, स्ट्रेचिंग बहुत ज्यादा की गई है, तो उसपे तो काफी। आप कितना वॉक कर रहे हैं आप डेली? वॉक अराउंड 1-1.5 किलोमीटर एवरीडे। एवरीडे मतलब इजीली कितने टाइम में कर लेते हैं इतना वॉक आप? 40 मिनट में लगभग 1.5 किलोमीटर की वॉकिंग कर ले। हो जाता होगा मतलब उसमें भी पहले बहुत ज्यादा सपोर्ट चाहिए होता था, पहले तो एक स्टेप भी नहीं रख पाते थे बिना सपोर्ट के, लेकिन धीरे धीरे अब ये हुआ है कि ज्यादा सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कॉशियस रहने के लिए साथ में कोई रहना चाहिए। तब इसे इस वीडियो में मैं ये जरा फोकस करूंगा कि इम्प्रूवमेंट आता है तो मेहनत कितनी करनी पड़ती है। तो यदि मैं बोलूं कि दिन में, और इनसे नहीं सर, मैं आपसे पूछूंगा कि जो ये रिकवरी हुई है इस स्पास्टिसिटी से बेटर, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जिनको ये लगता है कि स्पास्टिसिटी ठीक नहीं हो सकती या फिर इस तरह की प्रॉब्लम में इम्प्रूवमेंट नहीं आता, बहुत सारे लोग ऐसा बताते हैं कि नहीं होता है, टाइम बीत जाता है। तो जब अभिषेक ठीक हुए हैं तो मेरा मानना है कि मेहनत से ही ठीक हुए हैं, तो जो एक्सरसाइज आप लोगों ने करी, एक दिन में कितने टाइम ये एक्सरसाइज करते थे और कितनी देर एक्सरसाइज करते थे, इसको मैं जरा फोकस करना चाहूँगा। सर ये खाली कभी नहीं बैठते हैं, हर समय ये लगे रहते हैं, मतलब बल्कि मुझे कहना पड़ता है कि बेटा थोड़ा सा रेस्ट कर लो, थोड़ा बहुत लंच वगैरह जो किया वो किया, वरना ये हर समय घर में लगे रहते हैं, कभी इसमें कभी बेड पे कभी ग्राउंड में, मतलब हर समय बिल्कुल ये 12 बजे रात तक भी अगर मौका मिले, अगर ये रिकवर हो रहे हैं तो ये अपनी मेहनत से हो रहे हैं, और फैमिली सपोर्ट है, ये सर जो है ना आप इनके फादर हैं और पूरे टाइम आप भी लगे रहते हैं। मैं बिल्कुल इनके साये की तरह रहता हूँ, साये की तरह रहते हैं, और मैं जब से देख रहा हूँ तब से मतलब मुझे नहीं लगता कि आप एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से कम हैं। आज के डेट में सर एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट बन चुके हैं, क्योंकि वो साये की तरह जो बोला ना कि सर ने इनके पीछे इतना ध्यान दिया। और ऐसा नहीं है कि अभिषेक कोई आर्मी बैकग्राउंड के हैं या स्टूडियस नहीं है, ये एक अच्छे स्टूडियस स्टूडेंट है, मतलब एक बोलते हैं ना कि जॉब में थे ना आप अभिषेक, मतलब डेस्क पे जॉब करने वाले व्यक्ति 24 घंटे मेहनत कर रहा है। एक हम लोग ये सोचते हैं ना कि गांव का बंदा है तो बहुत ज्यादा मेहनत कर लेगा, शहर का बंदा है तो कम करेगा, या ऑफिस में जॉब करने वाले
कम करेंगे, वो डेलिकेट होते हैं, लेकिन ये नहीं है। जदि यदि आपका टारगेट क्लियर है तो इंप्रूवमेंट आएगा, यदि टारगेट में क्लियर नहीं है, विश्वास क्लियर नहीं है तो इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। स्टार्टिंग के 6 मंथ्स तो जॉब के साथ मैनेज किया 8-8 घंटे एक्सरसाइज, लेकिन फिर जब मैनेज नहीं हो पाया तो फिर जून से जॉब छोड़ दी है कि अब ठीक ही होना है, दोनों चीजें मैनेज नहीं हो पा रही, तो इसी पे पूरा फोकस है। छोड़ के अभी पूरा मतलब पूरा मतलब जैसे आपने सुना कि सुबह से शाम तक अभिषेक पूरे टाइम एक्सरसाइज पे डिवोटेड है। आप हमसे लोग पूछते हैं कि सर दो बार आपके यहाँ हो गया तो घर पे कितनी बार करना चाहिए, तो मैं उनके लिए बोलूंगा कि इम्प्रूवमेंट है। आज हम लोग कितने दिन बाद, कब प्रॉब्लम हुई थी आपको? प्रॉब्लम तो मेरे को, मेरी सर्जरी हुई है 11th नवंबर 2020 14 मंथ अभी तक हो चुके हैं, 14 मंथ की मेहनत की दे रहे हैं, तो टाइम जरूर लगता है लेकिन इम्प्रूवमेंट आता है। और अभिषेक ये जो वीडियो हम लोगों ने बनाई है आपकी, ये मैं एजुकेशनल पर्पस से कि लोग इसको देखें, इस प्रॉब्लम को समझें, इसके लिए यदि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डालता हूँ या किसी पेशेंट को इम्प्रूवमेंट के लिए दिखाना चाहता हूँ तो इसमें आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? कोई इशू नहीं, इसको हम लोग दिखा सकते हैं, इसको आप कंसेंट देते हैं? हाँ बिल्कुल। थैंक यू थैंक यू।